मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवपुरी जिले में आई बाढ़ के बाद प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। इसके साथ ही बैराड, नरवर सहित दतिया जिले का भी दौरा किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहती है और कांग्रेस बाढ़ पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव मदद करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार केवल घोषणाएं करती है, इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए जनता को पीछे पड़ना होगा। बांध अचानक खुल रहे, यही हुआ, बांध अचानक खुल रहे और दूसरी बाढ़ आ रही है, साथ साथ आप बांध खोल रहे, इसकी योजना बना ली। ये तो बैठ के आपको समझ के कि प्रशासन को इसमें सावधानी बरतनी। आज हमारे किसानों के फसल का कैसे आकलन, नुकसान का कैसे आकलन होगा, क्या मुआवजा दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा। हमारे यहाँ खेती तो गुजारे की खेती होती है, ये पंजाब हरियाणा की खेती नहीं है, यहाँ ये गुजारे की खेती है। और जब गुजारे की खेती है तो परिस्थितियां और भयानक बन जाती है।